अज एक बहुत अहम मुद्दे ते श्रोमणी अकाली दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। पंजाब सरकार नू आम आदमी पार्टी दी सरकार नू तकरीबन समझ लो 4-5 महीने हुए है, ते 5 महीनों के अंदर सब तो वड्डा घोटाला आम आदमी पार्टी दी सरकार ने किया है, जिहड़ा हैगा शराब का घोटाला, लिकर पॉलिसी का घोटाला। ऐसा घोटाला तुसी आप हैरान रह जाओगे कि किस किवें किवें इन्होंने 500 करोड़ रुपया ए घोटाले राही आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ते सिसोदिया साहब ने पैसा इकट्ठा करन दा प्रोग्राम बनाया। मैं बैकग्राउंड दस दवां, दिल्ली विच एक्साइज पॉलिसी बनाई गई जिथे बहुत वड्डे पद्धर नाल कपले हुए एक्साइज तो करोड़ा रुपये कमाउन दा यतन दिल्ली किया गया। उत्थों दे गवर्नर लैफ्टिनेंट गवर्नर ने इंक्वायरी लाई चीफ सैकटरी की, तो चीफ सैकटरी उत्थों दे अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट्स लिखते हैं कि अब जिहड़ा पैसा इकट्ठा होया है वो पंजाब दे इलैक्शन च भी वरत्या गया है। चीफ सैकटरी ने आप किया तो किन्ने क्वांटम किकबैक्स आए है वो वास्ते CBI की इंक्वायरी उन्हें मार की। CBI ने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद CBI ने 17-18 लोगों पर परचा किया, ज मेन अक्यूज्ड मिस्टर ससोदिया जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली स्टेट दे है। मैं आ बैकग्राउंड इसलिए दसिया क्योंकि जेड़ी दिल्ली दी पॉलिसी है और बिल्कुल सेम ते सेम पंजाब दी पॉलिसी है, जिन्हें दिल्ली बनाई पॉलिसी उसे बंदे ने उसी टीम ने ससोदिया साहब की अगुवाई विच पंजाब बनाई गई पॉलिसी। जदों इंक्वायरी हुई उन्होंने आप देखा कि हुण फस गए है, उन्होंने वो पॉलिसी आप कैंसल की है दिल्ली ने, क्योंकि उन्होंने प्रेशर CBI का हो गया। हुण जिहड़ी पंजाब की पॉलिसी बनाई गई है जो दिल्ली ने बनाई है किवें बनी है, कदों कदों मीटिंगां होईयां, वो सारयां दा वेरवा मैं थोनू अज देण लग्या। पहली गल आ पॉलिसी च कीता की गया, कीता आ गया कि उन्होंने कोशिश की कि अपने चहेते 2-4 बंदियां नूं लियाया जाए, इत्थे सारी ट्रेड उन्हां दे हवाले की जाए। तुसीं जानदे हो कि जिहड़ा एक्साइज है पॉलिसी हुंदी है, एक तां मैनुफैक्चर हुंदे है जिहड़ी कंपनियां शराब बनाउंदियां, दूजे उहदे थल्ले आउंदा L1 जिहड़ा होलसेलर हुंदा है, उहदे थल्ले आउंदे रिटेलर, रिटेलर है कि जिन्हां दुकानां है। इन्हां ने बड़ी चलाकी नाल जिहड़ा रिटेलर सी जिहड़ा L1 सी वो अपने काबू कर ले। उन्हें की कीता, उन्होंने पहली गल तुसीं जिन्नियां भी पुराने इतिहास देखो पंजाब दा, तुसीं देखोगे L1 कितने 100 हुंदे सी, 150 हुंदे सी, 50 हुंदे सी, 70 हुंदे सी, 60-70 L1 तां हुंदे ही सी पंजाब। मतलब की सी वो L1 सारियां कंपनियां दा शराब अपने कोल रख सकदे सी, ते वो रिटेलर उन्हां तों लैंदे सी, रिटेलर जिहड़ा वध रेट दिंदा उह तों पासे हट जांदे सी, कोई डिस्काउंट ज़्यादा दिंदा उहदे कोल चले जांदे सी। सो हैल्दी कॉम्पीटिशन सी L1 च, उहदे च कोई धक्का नहीं हो सकता सी रिटेलर नाल, कोई ज़्यादा जिवें मोनोपलाइज नहीं कर सकता सी L1 वाला। इन्होंने की किया जो पंजाब दी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई, इन्होंने कंडीशन चेंज करके अपने बंदियां नूं L1 देने वास्ते कंडीशन ऐसियां पातियां। पहली गल तां सारे बाहर कढ़ते जिहड़े पुराने L1 जिहड़े 30-40 साल दे पंजाब विच जो बिजनेस करदे सी सारयां नूं कढ़ दित्ता। किवें कढ़िया? एक तां कहदा कि मैनुफैक्चरर L1 नहीं लै सकदा,
दूजा कहता रिटेलर एलवान नहीं ले सकता, फिर कहता जिहदी 30 करोड़ तो वध टर्नओवर होए पिछले 3 साल लगातार घट होगी वह नहीं ले सकता, वो उत्ते चाहिए है। तो वड्डी गल इन्होंने कहा कि एक एलवान एक कंपनी कल्ला एक एलवान इशू करूगी एंड वह भी एलवान इन्हां दे कहने जिन्हों देना है उन्होंने दिता जाऊगा। हुण इहदे खोया की तुसी जे एलवान की मैं लिस्ट कढ़ाई महकमे तो मैं बहुत पता किया किनू किन दिते गए, जेड़े बंदे दिल्ली है जेड़े मेजर प्लेयर दिल्ली है उन्हां नूं ही पंजाब च दिता गया। तुसी जे लिकर ट्रेड बारे तुसी मैं तुहानूं जाना देवां, 2 कंपनियां हिंदुस्तान च है, एक है गई ब्रिंडको नहीं अपनी सॉरी डियाजो जिहदे कोले, ते दूजी हैगी परनो रिकॉर्ड परनो हैगी, 2 कंपनी 2 कंपनियां है जिहड़ियां 80% सारे ब्रांड दे मालक आ 2 कंपनियां आई 2 कंपनियां 80% ब्रांड सारे दे। हुण आ जिहड़े 80% ब्रांड दियां है दिल्ली भी जिहड़ा एक एलवन दित्ता है वह है ब्रिंडको अमन टल बंदा, ये तो CBI ने परचा भी दिता है आज एक बार 13-16 दिन दिता है उस बंद उत्ता है उसने परचा दिता उ CBI ने उ बंदा इतने है वह कला जिन्हें जिन्हें भी डियाजो के ब्रांड लेने पंजाब कल अमन ढाली देने वाला ब्रिंडको ही है दे सकता होर कितों नहीं मिल सकता उन्होंने, जिन्हें जिमें इन्हों के ब्रांड है जिमें जॉनी वॉकर है ब्लैक डॉग है जिन्हें भी इन्हों के ब्रांड है किंगफिशर है सारी एक कंपनी डियाजो दे है। सो पूरे पंजाब की जोड़े जिन्हें भी रिटेलर है दुकाना पंजाब जिन्या भी हैं जे उन्होंने कोई भी आप ब्रांड लेना किंगफिशर लेना जो है उन्होंने ब्रिंडको को जाना पेगा वो दसूगा किस रेट पर मैं देनी है मोनोपोली एक्सकलूसिव एक बंद करता उवें जोड़ा है। बाकी जोड़े ब्रांड है इंडिया वो आते हैं परनो कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है सारिया इंटरनेशनल हो गया मोनोपलाइज हो गई है वो सारे बाकी ब्रांड इन्हां कोले है। उत्थे दिल्ली का बंदा मेहरा फैमिली है दिल्ली की अनंत वाइन्स उन्हां नूं आ देता। सो 2 बंदियां कोले पूरे पंजाब का दो बंदियां कोले मोनोपली देती जिहड़ी उह सप्लाई मोनोपली तो समझ लो एक बंदे कोले जिहड़ा ब्रांड है उहदे कोले है दूजे ब्रांड एक बंदे कोले है जिन्हें रिटेलर है जिहड़ा पंजाब जो रेट वह कहणगे वह रेट पर इन्हों चकना पैना। हुण जिथे पैसा वापस आने की स्कीम बनाई जिन्हें एलवन अपने पहले चलते रहे हैं उन्हों का प्रॉफिट मार्जिन गवर्नमेंट ने फिक्स किया 5% पिछले 40 साल का देख लो तुम इन्हों की सरकार ने की किया आ जी अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया 5% वधा दिता 10% करता आ 2 बंदियां वास्ते सारी शराब आ 2 बंदे देंगे आ जरा ब्रिंडको वाले तो अनंत माइन उन्हों का प्रॉफिट देखो 5-7 हज़ार करोड़ की सेल होनी है इन्हें प्रॉफिट 5% तो वधा दिता 10% की गल की हुई इन्हों कि जोड़ा 5% वधाया वो सानू बैकडोर वापस कर दो। आई काम इन्होंने दिल्ली किया आई काम इन्होंने दिल्ली किया आई काम इन्होंने इतने इन्होंने किया तकरीबन 500 करोड़ रुपया वापस इन्होंने इस साल इन्हों 2 कंपनियों तो लेना है आ ब्रिंडको तो अमन टा जो है अनंत वाइन्स वाले 2 बंद जिन्होंने सारी मोनोपली दी। हुण आ किवें कहानी किवें बनी मेरे को तरीका है जगह है जिथे मीटिंगा हुई पहले जो पॉलिसी बननी सी पहले राघव चड्डा मीटिंग करता सी मीटिंग हायट होटल चंडीगढ़ है हायट चंडीगढ़ के 5वें फ्लोर ते सुइट है जिथे मीटिंगा होंदिया सी सारे बंदियां नाल ते अफसर नाल सारे नाल। उहदे बाद जो रफ प्लान बन गया फिर उहदे बाद मीटिंगा हुई दिल्ली दिल्ली मीटिंग जिहड़ी हुई वह हुई पहली मीटिंग हुई उत्थे 30 मई नूं 4 बजे शाम नूं डिप्टी CM ससोडिया के घर मीटिंग कराई गई।
उस मीटिंग कौन सी? डिप्टी सीएम सिसोदिया, राघव चड्डा, क्योंकि वो पहले सारे प्लानिंग इतने हाइट से रहकर कर रहा सी, विजय नायर इन्होंने जो हूँ अजकल भजया फिर सीबीआई वो मगर भी है देश छड़ के भज गया। इन्हों का करता धरता आम आदमी पार्टी का कलैक्शन पॉइंट, पैसे का कलैक्शन पॉइंट जिहड़ा विजय नायर है, वो विजय नायर। वो बाद पंजाब दे, पंजाब विचो कौन सी? फाइनैंशियल कमिश्नर टैक्सेशन उत्थे सी, एक्साइज कमिश्नर टैक्सेशन उत्थे सी, जिहड़े बाकी अफसर इत्थे उत्थे सी। फिर इन्होंने वख वख कंपनियां दे बंदे उत्थे नाल मीटिंग सी। अच्छा एक होर देखो किन्नी शिहारी करते है जिहड़े बाहरले बंदे कंपनियां बुलाए सी जिन्हां ने डील, उन्हां दे नाम मीटिंग दसे नहीं कौन वो बंदे है। एक दा नाम रखा सी मैंगो, एक दा नाम रखा सी क्यूकंबर, वह जो सोशल दसदा सी हुण मैंगो गल करूगा, हुण क्यूकंबर गल करूगा। आ सोचते कि इन्हां नूं पता लगे कि दूजा, आ सोचते कि इन्ना सीक्रेट असीं रखांगे कि बंदे पता लगे कौन है। तुसीं ससोडिया दी अज सारे अफसरां दी कॉल डिटेल कटा लो, लोकेशन कटा लो, 30 तरीक मई नूं 4 बजे आ डिप्टी सीएम दे ड्राइंग रूम च मीटिंग हो रही है। उहदे बाद सैकेंड फाइनलाइजेशन वास्ते मीटिंग फिर तो हुई 6 जून नूं ससोड़िया दे घरे, आ 6 जून नूं हुई, उत्थे भी अफसर पूरे सी। इन्हां दी कॉल डिटेल कढ़ा लो, इन्हां दी लोकेशन कढ़ा लो, तुसीं सीसीटीवी कैमरा कढ़ा लो, तुसीं होटल दे कैमरा सीसीटीवी कढ़ा लो, आ सारा इस तों वध प्रूफ की है। सो 500 करोड़ का सेम पॉलिसी डिटो तुसीं पंजाब दी पॉलिसी रख लो ते दिल्ली दी रख लो, सेम बंदियां ने पॉलिसी बनाई, ससोड़िया दे अपनी टीम ने सेम पॉलिसी बनी, इको ही तरीके ना पैसा 500 करोड़ कट्ठन का स्कीम बनाया। उत्थे भी दिल्ली वही बंदे अमन ढल जिहदा एफसीबीआई का केस वही इत्थे है, उवें अनंत माइन आ सारे बंदे है। सो मेरा मतलब है कि एडा वड्डा घपला पंजाब दी सरकार, पंजाब सरकार ने किया है, 500 करोड़ रुपया जिहड़ा इन्होंने इकट्ठा किया है, क्लेयर वायलेशन है, क्लेयर वायलेशन है, ये ओपन एंड शट केस है, ओपन एंड शट केस है। इस करके श्रोमणी अकाली दल डिमांड्स कि जिवें दिल्ली सीबीआई इंक्वायरी की गई है, यदि सीबीआई इंक्वायरी की जाए, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की इंक्वायरी की जाए, सारे इमीजिएटली सारे अफसर के सारे इन्हां लीडर के नाम जिहड़े लिते आ सारयां दे फोन लोकेशंस, फोन डेटा सारा सील किया जाए, सीसीटीवी कैमरे सील किए जान, इमीजिएटली अरेस्ट किए जान, क्योंकि आ बहुत वड्डा घपला पंजाब दे लोकां नाल होया। तो जिहड़े तुसीं मानदे सीबीआई इन्हां नूं आ ब्रिंडको वाले ते दूजे जिहड़े हुण भज्जे फिरदे है, देखोगे अगले दिनां च आप ही दस देंगे कि कितना 5% तो 10% वधाया, किस वास्ते वधाया, दो बंदियां नूं सारा कुछ देता, उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन 10% करता, तो मोनोपली करती उन्होंने, ये तो वड्डा घपला मैं लगता कित हो नहीं सकता। सो इमीजिएटली यदी सीबीआई, असं गवर्नर साहब को भी जा रहे हैं, टाइम ले रहे हैं गवर्नर साहब को कि दिल्ली च उन्होंने लैफ्टिनेंट गवर्नर प्रोसीजर शुरू किया, गवर्नर साहब को बेनती करांगे, नहीं तो असी सीबीआई ते ईडी नूं कंप्लेंट अकाली दल तरफों या असी देखांगे जरूर करांगे। एनी क्वेश्चंस? कमाया नहीं, मेरा मतलब है 500 करोड़, कई करोड़ों रुपये तो आ गए एडवांस आ गए, आ इन्होंने की किया है 5%। तुसी सारी पंजाब दी कह दिता, सारे पंजाब दे रिटेलर इस बंदे तो लैणगे माल, एक बंदे तो हुण जिन्हें लैना वो तो लैना ही, नहीं तो दुकान बंद हो। सो उस करके हुण उन्हां मार्जिन 5 तो 10 करता, 5% कहदा किकबैक है। यार किंगपिन उत्थे है दसा जिहड़ा पुलिस उत्थे पॉलिसी बनाई है ससोड़िया साहब ने, जिहड़े जिवें दिल्ली बनाई है
ਉਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਨਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਪੋਲਿਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭੱਜਿਆ, ਅੱਜ ਨਾਇਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੱਜਿਆ। ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਦੇ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਲੀਗਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 500 ਦਾ 490 ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਐਗਜੈਕਟ 500 ਅਰਾਊਂਡ ਦੈਟ ਮਚ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਅਮਨ ਡਲ ਵਹਾਂ ਵੀ ਉਨਕੋ ਵਹੀ ਦੀਆ L1 ਮੋਨੋਪਲੀ ਏਕ ਹੀ ਆਦਮੀ ਕੋ ਵਹਾਂ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ CBI ਕਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਭੀ। ਜਬ ਸੁਸ਼ੋਦੀ ਕਾ ਨਾਮ ਆਪ ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ ਮੇਂ ਦੇਖੋ, ਅਮਨ ਡਲ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਕੋ ਕੰਪਨੀ ਕਾ, ਵਹੀ ਆਦਮੀ ਕੋ ਯਹਾਂ ਲਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡੀਲ ਕੋਈ ਉਸ ਸੈਟਿੰਗ ਵਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਵੀ ਵਹੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ L1 ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਊਗੀ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਊਗੀ? ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਰੀਕ ਦੱਸਤੀ 4 ਵਜੇ, 4 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ ਅਰਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੋਪਲੀ ਕਰਤੀ, ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਕਟੀ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਓ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਰਿਨਿਊ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਗਰੋਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨ ਸੇਮ ਗਰੋਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪਲੇਅਰ ਹੈ L1, ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨੰਤ ਵਾਈਨਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਦਿੱਲੀ ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਨੋਪਲੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋਨੋਪਲੀ। ਨਹੀਂ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ 5% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਤਾ 10। ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਹਿਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 12 ਕੀਤਾ, 12 6 ਉੱਥੇ 6% ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ 5% ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਆਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਆਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ, ਉਹ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CBI ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੈਪਰੇਟ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਸੈਪਰੇਟ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਡੂਟਾ CBI ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ CBI ਜੋ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨ ਟੂ ਇਟ। ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ CBI ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪੋਲਿਸੀ ਵਿਡਰੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ,
तो विड्रॉ क्यों की? जो उन्होंने सोचते सी पॉलिसी सही है फिर विड्रॉ क्यों की? आप ही उन्होंने विड्रॉ की है जो केस हो गया। एक मिनट पहले इस पॉइंट पे किसी ने कोई होर कोई मैं पहले गल थोनू एक गल क्लियर करना चाहना जेडे एस आई टी दे समन बारे। पहली गल मैं तो पहली गल हैरान है कि मैनू तो हले समन मिलिया नहीं ते सोशल मीडिया ते तो सारी जगह समन चल रहा है। आ आ जिवें उही होया जिवें नहीं 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 मीडिया नू पहली गल है जे बंदा मैं तो बाहरों आया मैं तो हले मैनू तो आया ही नहीं। पहली गल क्वेश्चन है बाहर पब्लिक च क्यों पहले किवें आ गया? कैन दे डू दैट? सैकेंड कोई करता कोई गल नहीं ते आ कोई सैक्रिलेज केस समन नहीं है। मैं थोनू सारे क्लियर कर दा तीन केस होए उत्थे एक सैक्रिलेज केस एक कोटपुरा फायरिंग जिथे किंजड़ होया एक हैगा जिहड़ा दूजा बरगाड़ी वाला। सैक्रिलेज जिथे बेअदबी का केस सी वह केस चलान हो गया उहदे ते पंजाब दे चीफ मिनिस्टर ने आप अनाउंस किया ना सानू उहदे ते कितें समन आया एक बार भी ना सानू बुलाया ना असी उत्थे ना साडा ना। पहली गल थोनू आपां की करदे मीडिया वाले जदों समन आ जांदे आपां बेअदबी केस लिख दिंदे बेअदबी केस नहीं है वह तो चलान हो गया उस पुलिस ने एक बार भी नहीं सानू उहदे समन होया साडा बुलाया क्योंकि साडा रोल ही किसी का भी रोल। दूजी गल आ हैगा कोटपुरा फायरिंग जिहदा वर्डिक्ट इन्होंने जिहड़ा हैगा पहले भी हाई कोर्ट ने इन्होंने ड्रामा करके किया तो हाई कोर्ट ने झाड़ पाई सी इन्हों तो क्लीयर किया कि तुसीं चीफ मिनिस्टर का। हुण मैं इस केस दसना चाहना जिहड़ा फायरिंग दे ऑर्डर दिते वो एस डी एम ने दिते है एस डी एम ने रिटन ऑर्डर है। एस डी एम अज तक कह रहा है कि ऑर्डर मैं दिते है मेरे तो कोई दबाव नहीं सी। सो जिने ऑर्डर किए है वो अपने वर्ड्स है अज तक किसी ना पहले कोई इंक्वायरी उन्हें अपना स्टैंड डिफरेंट किया ना हुण किया है हुण ये समन दिते है कोई गल नहीं जो आवे देखा सानू कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सानू आवे असं आप हो जाएंगे सानू मैं कोई डर नहीं है सानू की फर्क पैंदा ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਲਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਅਖੀਰ 'ਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ये सारा ड्रामा इन्हों का जान डाइवर्ट करके 5 साल लगे रहे हैं पॉलिटिक्स खेली है हाई कोर्ट की जस्टिस साहब ने कहा कि पॉलिटिक्स हो रही है ये तो वध की तो उन्होंने खिलाफ हो सकता मैं यदा कहना चाहना ये मुख्यमंत्री भी तो होम मिनिस्टर भी उन्ना ही जिम्मेवार है। एस एस पी की हिम्मत नहीं होंगी कि चीफ मिनि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी लैप्स कर दे इंस्ट्रक्शन उदो होम मिनिस्टर के चन्नी तो सी बनाता दोषी एस एस पी की जिम्मेवारी सी उन्हें मनना नहीं चाहिए सी अपने मुख्यमंत्री की गल क्योंकि आ प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का मसला सी पर वो चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर की प्रेशर च आके उन्हें कर लिया तो हुण
पर इस इंक्वायरी चीफ मिनिस्टर ते होम मिनिस्टर भी जरा चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर पार्ट एंड पार्सल मेरे ना किंग पिन तो हुआ है। थैंक यू।